नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मास्टर मैटिक में। दोस्तों, हमारी जो बहुत सी हैचबैक और सेडन कार्स होते हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स होते हैं, और फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स का जो क्लच प्लेट है और प्रेशर प्लेट है ये कैसे चेंज करते हैं, ये इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो ये मैं क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट ये वेंटो गाड़ी में ही चेंज करने वाला हूँ, वॉल्सवैगन के वेंटो में। तो यही सेम प्रोसीजर है, ये आप किसी भी मारुति हुंडई या फिर अलग कंपनी के कार्स में यूज़ कर सकते हो। जो भी फ्रंट व्हील्स ड्राइव कार्स है उनमें सेम ही प्रोसीजर रहेगी, सिर्फ नट बोल्ट्स वगैरह का फर्क रहेगा, लेकिन जो स्टेप्स है वो सेम टू सेम रहने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट कैसे चाहिए। हमारी जो क्लच प्लेट होती है उसके लिए हमें गेयर बॉक्स उतारना पड़ता है, और गेयर बॉक्स जो होता है ये जो हमारे शाफ्ट है, ड्राइव शाफ्ट या फिर एक्सल जिसे हम कहते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। तो एक्सल सबसे पहले हमें गेयर बॉक्स से निकाल के लेने पड़ते हैं। तो ये वॉल्सवैगन की कार्स में M8 नंबर के उसको बोल्ट दिए होते हैं, कुछ 6 बोल्ट है, वो मैंने निकाल के लिया है, और ये जो एक्सल है ये बाहर आ गया है, ये देखो उधर से निकाल दिया है। तो एक्सल निकालने के लिए हमें सबसे पहले आगे का जो शॉक एब्जॉर्बर असेंबली है उससे जो हमारा व्हील का हब है उसको निकालना पड़ता है। इसके लिए हमें ये जो स्टेयरिंग का एंड है वो निकालना पड़ता है, या फिर जो हमारा स्टेबिलाइज़र का जॉइंट है उसको निकालना पड़ता है, ठीक है। और जो हमारा कैपिलियर है ब्रेक का उसको भी निकालना पड़ता है। ABS है तो ABS सेंसर वगैरह आपको निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ से भी निकाल सकता था लेकिन ये डैमेज होने की संभावना रहती है कुछ लगा वगैरह, तो इसलिए मैंने पूरा ये निकाल के साइड में रख दिया। तो ये मैंने कर दिया है, ठीक है। तो सिर्फ एक्सल आपको गेयरबॉक्स से छोड़ के लेना है, पूरा नहीं निकालना, पूरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सेम उस साइड के व्हील का भी मैं ऐसा ही एक्सल नीचे से निकाल के लेता हूँ, और नीचे से आप देखोगे ना जब मैं गेयरबॉक्स उतारूँगा तो आपको आइडिया आ जाएगा एक्सल कैसे निकालना है। तो इसमें तो M8 नंबर के बोल्ट होते हैं, बाकी के गाड़ियों में क्या है स्क्रू ड्राइवर वगैरह फंसा के आप एक्सल डायरेक्टली निकाल सकते हो नीचे से, सिर्फ ये तो सब निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी ये गेयर बॉक्स कैसे निकलेगा ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसा कि मैंने एक्सल उस ड्राइवर साइड का निकाल दिया है, वैसा ही को ड्राइवर साइड का भी निकालूंगा, पूरा हब वगैरह जो शॉक ऑब्जर्वर से हब निकाला है वो सब सेम टू सेम उस साइड का भी निकालूंगा। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इधर का बैटरी एयर फिल्टर और बैटरी का ब्रैकेट वगैरह हमने निकाल दिया है। इसके बाद हमें ये जो माउंटिंग है ये निकालना है, इसके बाद ये जो गियर की लिंक है ये निकालनी है, और क्लच है हमारा हाइड्रोलिक क्लच उसका जो किट है उसको भी निकालना है, और हमारी जो स्टार्टर मोटर है ये निकाल। तो हमने स्टार्टर मोटर निकाल दी, नीचे जो माउंट होता है इंजन के बीच में वो निकाल दिया, इसके बाद यहाँ के लिंक वगैरह आप देख सकते हो उधर निकाल दी, और जो हमारा क्लच सिलेंडर में लाइन जाती है पाइप वो निकाल दिया और ऊपर रख दिया ताकि ये जो उसकी में ब्रेक ऑयल है वो गिरे ना, ठीक है। इसके बाद इधर के जो सारे बोल्ट है वो निकाल दिए, ठीक है, और इंजन में एक जैक लगा दिया है हमने, और गियर बॉक्स में एक जैक लगा दिया। अब मैं ये माउंटिंग का एक नट तो मैंने निकाल दिया, दूसरा जो बोल्ट है वो निकालूंगा तो हमारा जो गियर बॉक्स है नीचे आ जाएगा। इसके लिए 2-3 लोगों की ज़रूरत लगेगी एक नट निकालने के लिए, और 2 लोग इसको पकड़ के रखने के लिए। तो ये मैं अभी नीचे उतार के लेता हूँ। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं जाओगे तो बहुत दिक्कत होती है इसमें, ठीक है। और ये आगे का जो रेडिएटर असेंबली वगैरह हमने निकाल दिया है वो निकालने की कुछ वैसे ज़रूरत नहीं, वो विदाउट निकाले भी आप इसको निकाल सकते हो। वो जो हमने निकाला है वो अलग पर्पज़ के लिए निकाला है, वो निकालते हैं तो एकदम ईजी हो जाता है, नहीं निकालते हैं तो भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा जाक वगैरह है वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर चढ़ाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी मैं गेयरबॉक्स नीचे उतार के लेता हूँ और आपको जो पुरानी क्लच प्लेट है प्रेशर प्लेट है वो दिख जाएगी। देखो इसमें 6 नंबर की एलिंक होती है, वो लूज़ करने के बाद ये भी आ गया, ठीक है, और गियर बॉक्स भी हमने उतार दिया है, ठीक है। गियर बॉक्स उतारने के बाद ये देखो ये क्लच रिलीज बेयरिंग होता है, ये आपको खींच के ऐसे निकालना होता है, ये देखो ये बेयरिंग आ गया, और ये ऐसे स्प्रिंग में बैठाया होता है। तो अभी ये मैं हम साफ करके लेता हूँ कपड़े से वगैरह, और ये बेयरिंग वगैरह हम बदलने वाले हैं। तो अभी ये क्लीनिंग हो चुका है, ठीक है, इसके बाद हमें नया क्लच रिलीज बेयरिंग डालना है। उससे पहले इधर थोड़ा सा ग्रीस लगा के लेना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना है क्योंकि लुब्रिकेशन होना चाहिए उधर, नहीं तो क्लच थोड़ा सा आवाज़ करता है, इधर भी थोड़ा सा, ठीक है, और इस रिंग में
देखो ये ग्रीस कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद ये देखो ये नया प्रोजेक्ट करेंगे, ये देखो सेम टू सेम जेन्युइन वॉल्सवैगन का है, ठीक है। तो हमें ये लगाना, ये सिर्फ प्रेस करके लगता है, ये देखो एकदम इजीली लग जाता है। और इस बेयरिंग के अंदर भी थोड़ा सा ग्रीस भरना है हमें, क्योंकि बेयरिंग का फ्रिक्शन होता रहता है बीच में, इसलिए उधर भी हमें ग्रीस भरना है, ठीक है। इसके बाद इसको हमें लगा देना है, ठीक है। ये देखो ये इस तरह बेयरिंग हमारा बैठ जाता है, ये देखो तो एकदम प्रॉपरली हमारा बेयरिंग है वो बैठ गया है। और जो इधर ग्रीस आता है बाहर, उसको साफ कर देना है, क्योंकि वो प्रेशर प्लेट पे लगना नहीं चाहिए, ये देखो एकदम। तो ये हमारी पुरानी प्रेशर प्लेट है और इसके बीच में क्लच प्लेट है, ठीक है। तो इसमें 9 नंबर का रिंग स्पैनर या फिर बॉक्स पैनल लगता है। तो ये जो इसके बोल्ट है, ये हमें एक एक करके निकालने हैं, पूरा नहीं निकालना है, एक धीरे धीरे निकालने हैं, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखो ये तो 6 बोल्ट है वो निकाल दिए। अब हमारी प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट बाहर निकलेगी, ये देखो ये हमारी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन हार्ड हो गई है, इधर जब रस्ट वगैरह पकड़ता है ना तो हार्ड हो जाती है। और क्लच प्लेट भी है एक ठीक ठाक हालत में, इतनी ख़राब नहीं हुई है, लेकिन जो अब हम बदलते हैं तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों सेट ही बदलना पड़ता है हमें। तो अभी हम सेट लगाएंगे, उसके पहले इस पर मैं पेपर वगैरह मार के लूँगा एकदम प्रॉपरली, और ये क्लीन वगैरह करके लूँगा। तो ये न्यू क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का सेट मैंने लाया है ओरिजिनल वॉल्सवैगन का। ये देखो ये क्लच प्लेट देखो, ये थोड़ी घिसी हुई है, दोनों में से आप फर्क समझ सकते हो, ये इतनी ज़्यादा नहीं घिसी है लेकिन घिसी है काफ़ी हद तक, ठीक है। और ये प्रेशर प्लेट ये देखो, ये देखो हमने प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट लगा दिया। और ये इसके जो बोल्ट है ये अभी लूज़ है, ये टाइट नहीं किए हैं। और ये अलाइनमेंट टूल है, ये देखो ये इसमें डाला है, ये देखो ये। और इसके बाद आपको अंदर की जो क्लच प्लेट है ना, ये हिलाकर एकदम सेंटर में लेके आनी है, ये जो राउंड है ना इसके बराबर सेंटर में ये आनी चाहिए। तो इसको कहते हैं क्लच प्लेट के अलाइनमेंट। आप सामने से देखोगे ना तो आपके समझ में आता है सेंटर, ठीक है। ये देखो ये अभी सेंटर में आ गई है, देखो। अभी इसके बाद हमें ये जो बोल्ट है ये टाइट करने हैं, थोड़े थोड़े से करने हैं और सामने सामने वाले करने हैं। इसके बाद ये और इसके बाद ये, ऐसा थोड़ा थोड़ा एक दो आटे हमें टाइट करने हैं, ठीक है। और इसके बाद पूरा टाइट हो जाने के बाद ये जो टूल है ये हमें निकाल देना है। तो प्रेशर के जो बोल्ट है वो पूरे टाइट हो चुके हैं, और अब हमें जो हमारा अलाइनमेंट टूल है वो निकालना है। तो बोल्ट टाइट हो जाने के बाद ये जो हमारी अंदर की क्लच प्लेट है ये ज़रा भी हिलेगी नहीं, जो हमने इसका अलाइनमेंट किया है उसी पोजीशन पे रहेगी, ठीक है। अभी ये सब हो गया, अभी हमें गियर बॉक्स चढ़ा के लेना है। अभी इस पर हम गियर बॉक्स चढ़ा के लेते हैं। अभी हमारा जो क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का जो काम है वो कम्प्लीट हो गया। अभी सब गियर बॉक्स वगैरह लगा देता हूँ, जो भी निकाला है माउंटिंग वगैरह वो सब मैं लगा देता हूँ। ये देखो गियर बॉक्स की जो फिटिंग है वो फिटिंग पूरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो स्टार्टर वगैरह जो भी जो चीज़ें निकाली थी हमने वो सब चीज़ें लगा दी, ठीक है। इसके बाद ऊपर से जो एयर फिल्टर असेंबली बैटरी वगैरह सब कुछ लगा दिया, ठीक है। सिर्फ बम्पर वगैरह लगाना बाकी है, और जो क्लच का सिलेंडर है उसमें एयर रहती है वो एयर भी निकाल के ले ली। गियर की जो लिंकेज रहती है वो लिंक हमने लगा दी। लिंक का जो सेटिंग हमने ये लाया था नहीं था, इसलिए जैसे निकाली थी वैसे लगा दी। और अभी मैं आपको क्लच दिखाता हूँ, एकदम मस्त ऑपरेट, एकदम मक्खन जैसा ऑपरेट हो रहा है, ये देखो एकदम प्रॉपरली, जैसे एकदम प्रॉपरली
वर्क कर रहा है। इस उंगली से मैं करूँगा तो दो उंगली लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतना तो हार्ड होता ही है। ठीक है, एकदम प्रॉपरली हो गया। ठीक है, अभी बाकी सब फिटिंग है वो फिटिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद गियर वगैरह कितने स्मूथ पड़ते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी लगभग 10-15 किलोमीटर की ट्रायल हम लेके आए। ठीक है, इसके बाद जो क्लच ऑपरेट हुआ है हो रहा है एकदम मस्त हो रहा है, मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा फर्क है और अभी मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। पहले क्या होता था ट्रैफिक में वगैरह है ना, क्लच दबाते दबाते पैर में दर्द होने लगता था, इतना हार्ड था क्लच। ठीक है, इसके बाद जो गियर है गियर भी एकदम स्मूथली ऑपरेट हो रहे हैं ऐसे भी है। देखो अभी गाड़ी खड़ी है जगह पे, चालू करता हूँ। ये देखो एकदम इजीली गियर पड़ रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, क्योंकि क्लच ही मेन होता है सिटी में वगैरह। हाईवे में तो कितना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन सिटी में जब हम गाड़ी चलाते हैं हमें बार बार गियर चेंज करने होते हैं ना, तो क्लच हार्ड होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, पैर में वगैरह दर्द होने लगता है और अच्छा नहीं लगता गाड़ी चलाना। लेकिन अभी तो एकदम स्मूथ हो रहा है, हो गया है क्लच और अभी मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।